हेलो, मेरा नाम शुभांकर दास। मैं मुक्ति में मामा का कैरेक्टर किया है मैंने। जब शुरू में मुझे कहानी मैंने पढ़ा और इसमें जो मोलेस्ट करने का वो सीन मतलब मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा कि एक इतनी छोटी बच्ची के साथ, मतलब चाइल्ड मोलेस्ट के जो, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये किरदार अगर करना है तो इसको कैसे, किस तरह से निभाया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें एडॉप्ट करने की सोचा, जैसे कि अपना वो फिल्म थी हाईवे, हाईवे से मैंने सोचा कि भाई उसके, उस लड़की के साथ उसके जो चाचा है उसने क्या किया होगा जो वो लड़की इतने फूट फूट के रोई वहाँ पे। तो मैंने अपने आप को वहाँ पे रखने की कोशिश की कि क्या तो किया होगा उसने, मतलब जो उस सीन में मैं कर सकता हूँ, लेकिन जिसको हम प्रेजेंट भी करें तो बलगर ना लगे और बहुत कंफर्टेबली हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में मैंने पहले भी काम किया हुआ है और दूसरे लड़कियों के साथ भी काम किया हुआ है, कहीं कहीं किस लोगों के टेंट्रम होते हैं, अगर आप हाथ भी रख दो उनके ऊपर सीन में चलते हुए, कि एक सीन का कंफर्ट जोन बनाने के लिए, कि सीन को एक अच्छे से नेचुरल वे में लेने के लिए कुछ कहीं, मतलब सिंपैथी के तौर पे या कुछ हाथ रख दिया, तो वो अगले मतलब कट होते ही वो जाके डायरेक्टर को बोलते हैं कि नहीं नहीं वो जो हाथ रखे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि आपने नेचुरल वो में रखा है, लेकिन ये सीन तो नेचुरली, और कैमरा तो बहुत मतलब झूठ भी पकड़ लेता है, तो यहाँ पे हमें अगर नेचुरल वे में करना था तो उसमें वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं अंदर जगाना पड़ेगा, वरना सारा जो झूठ है वो कैमरा के सामने आ ही जाएगी। तो उसको करने के लिए जो फीलिंग्स मतलब दिमाग में चलाते हुए जिस तरह से मैंने टच भी किया, लेकिन उसने इतने कोऑपरेटिव तरीके से मतलब कोऑपरेट किया लड़की ने, वो मुझे काफ़ी अच्छा वो हुआ। लेकिन एक हाँ, सीन शुरू होने तक, मतलब जब से मैंने पढ़ा था और जब तक सीन मैंने कर दिया, तब के बीच में जो जर्नी थी, मैं काफ़ी नर्वस था कि ये सीन होगा कैसे, कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगा, इतने ईजली ये निकल जाए, तो वो मैं सोच रहा था, और वो जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट थी मेरे लिए। और बाकी ये जो टोन मैंने पकड़ा था उसमें, टपोरी टोन, वो वैसे भी मैं नॉन हिंदी वर्ल्ड से हूँ, हिंदी तो इतनी अच्छी मतलब बोल नहीं पाता हूँ, काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत तो आ ही जाता है। उसके अलावा ये टोन पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल था, इसके लिए लिटरेली मैं मतलब कुछ लोगों से 3-4 दिन ऐसे ही, मतलब वो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते थे, मैं टपोरी लैंग्वेज में ही उनसे बात करता था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग प्लीज़ देखिए। और बाकी तो मतलब किसने कितना अच्छा किया है या नहीं किया है, किरदार अच्छा निकला है नहीं निकला है, लेकिन स्टोरी वाइज और डायरेक्शन वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी चीज़ें आप जज करें। आप लोग हमारे मूवी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुक्ति के बारे में उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।